दोस्तों आज हम बात करेंगे आरसीएफ के स्टॉक के बारे में। आरसीएफ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी यहाँ पर स्टॉक ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.04% की यहाँ पर एक मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में अभी और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 125 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 131, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 143, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 155, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 165, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 180 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 121 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 117, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 112 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।